हेलो स्टूडेंट्स, आर यू फाइन? आर यू हैप्पी? लेट अस स्टार्ट न्यू वीडियो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, हेयर आर टू टेंस, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस बोथ। इस टेंस में दो समय की गणना का पता चल रहा है। एक तो वह जो पास्ट में वर्क जो है कोई शुरू हुआ था और आज भी वह वर्क चल रहा है। हम प्रेजेंट में, आज भी वर्क चल रहा है, कब तक चलेगा आई डोंट नो। जैसे वह 10 सालों से उत्तर प्रदेश में रह रहा है, कब तक रहेगा कोई निश्चित नहीं है। कब से समय शुरू हुआ वो केवल पता चल रहा है। इस तरह से पिछले समय से वर्क शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम में अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इस तरह के समय का बोध होने वाले वाक्यों को ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी वाक्यों की तरफ अगर हम ध्यान दें तो उसमें रहा है, रही है के पहले से शब्द जुड़ा होगा। जैसे वह 3 सालों से पढ़ रहा होगा, वह 2 सालों से अगले अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस टाइम, से का मीन्स यहाँ समय जो है इसमें दिया रहेगा। वैसे रहा है, रही है, हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे उसको देख करके प्लीज यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें समय दिया रहेगा, से खेल रहा है दोपहर से, दोपहर का टाइम है। 10 वर्षों से अमेरिका में रह रहा, इस तरह से शब्द दिया रहेगा या में रहेगा, समय अवश्य रहेगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ कंफर्म हो जाए, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इसमें जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था हैज है, यहाँ भी हैज हैव रहेगा, प्लस बीन शब्द जुड़ेगा, प्लस कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस में सब लोग जानते हैं वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, आईएनजी रहेगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर सिंस और फॉर आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। सिंस और फॉर कौन सा भूत है इसको जानने के लिए हम थोड़ा देख लेते हैं। सिंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो, सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा खास तौर से, जैसे 10 बजे से 10 o'clock AM हो, PM हो, 1920 हो, 1977 हो, इस तरह से सन दिया हो, नून हो, मॉर्निंग का समय हो, आफ्टरनून हो, मंडे हो, फेब्रुवरी हो, नेम ऑफ मंथ्स हो, नेम ऑफ सीजन्स हो, लास्ट वीक हो, या इस तरह से जो शब्द आते हैं इसके पहले हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और जिसमें पीरियड ऑफ टाइम दे दिया हो, जिसे हम काउंट कर सके 1 साल से, 2 साल से, 3 महीने से, 4 डेज से, 10 ईयर से, 4 घंटे से, उसके आगे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से सिंस और फॉर, ये समय जो है इस टेंस में अनिवार्य होता है, यहाँ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हैज और हैव कहाँ लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था आई, वी, दे और प्लुरल यू, इनके साथ हम हैव लगाते आए हैं, यहां भी वही लगाएंगे। साथ में बिन जोड़ देना है। और दूसरे जो बच गया हे, से या किसी का नेम हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो, इट हो, इसके साथ हम हैज बिन लगाएंगे। आई, वी, दे, प्लुरल, यू के साथ हैव बिन। चलिए अफर्मेटिव या पॉजिटिव वाक्य को हम बनाते हैं। वह दोपहर से खेल रहा है, वह का इंग्लिश ही के साथ हैज लगाएंगे। ही हैज बीन खेलना का प्लेइंग, ही हैज बीन वर्ब में आईएनजी प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। दोपहर है तो सिंस और नून होगा, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस नून। इस तरह से वह दोपहर से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस नून। मैं 10 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हूं, मैं का आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन रह रहा हूं, रहना आई हैव बीन, वर्ब में आईएनजी लिविंग, इन
अमेरिका 10 वर्षों से पीरियड दे रहा है तो फॉर लगेगा, फॉर 10 years आई हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 10 years वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं नंबर थर्ड, वह आज सुबह से ही बगीचे में टहल रहा है। He has been walking in the garden since today morning। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, फिर बे वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर के बाद टाइम। फार्मूला सेम है, सिर्फ हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हम पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में लगाए थे वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले लग जाएगा। क्या रमेश पिछले 5 वर्षों से लखनऊ में रह रहा है? हैज रमेश बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर लास्ट 5 years। दूसरा वाक्य हम देखें, क्या पिछले 4 दिनों से वर्षा हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग फॉर लास्ट 4 days। इस तरह से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम प्रैक्टिस करें, और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है इस तरह से सैकड़ों वाक्य बना करके खूब प्रैक्टिस करें। तो नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब में आईएनजी रहेगा ही, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर दे करके टाइम रहेगा। ये फॉर्मूला नेगेटिव के है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नॉट बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 5 years, वह 5 सालों से लखनऊ में नहीं रह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, यू हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखे हम तो हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर बीन वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर दे करके टाइम रहेगा। वाक्य को हम बना लेते हैं, इसी को देखते हैं। Has have, has he not been living in Lucknow for 5 years like this? Has he not been living in Lucknow for 5 years? इस तरह से इसका हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं। अब हम देखें सिंस और फॉर लगा के अगर समय पूछा गया है तो इसके जब प्रश्नवाचक हम बनाएंगे तो सिंस वेन और फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करके WH फैमिली से संबंधित वाक्य को हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, ही हैज नॉट been living in Lucknow for 5 years। इसका हम अगर सेंटेंस बनाते हैं तो वाक्य में फॉर करके आया है तो क्वेश्चन भी जब बनाएंगे तो फॉर से ही होना चाहिए। फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लिविंग इन लखनऊ, वह लखनऊ में कब से कितने समय से रह रहा है। सिंस का इस्तेमाल करके हम इस वाक्य को बनाए हैं तो इसका शुरुआत जो है सिंस वेन, Since when have you been reading English? इस तरह से since और for से हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह से dear students practice खूब करें, practice maximum perfect। Thank you।